अगर 108 बार कोई पढ़े, राधा रानी स्वयं राधा कुंड से निकल कर उसको दर्शन देती। अगर उसको 108 बार कोई राधा कुंड में खड़े होकर बोल दे, इतने महिमा श्री राधा कृपा कटा के स्तोत्र की इतने महिमा है, और राधा रानी की उसको पर कृपा होगी। अगर राधा रानी की किसको पर कृपा हो गया ना, इसलिए कहते हैं राधे राधे रब पर चले आएंगे बिहारी। राधा रानी कृपा हुई तो कन्या तो पीछे पीछे बोलते रहे। और राधा रानी का जो नाम है जगत में सबसे ज्यादा जो महिमा है श्री राधा जी का नाम है, हैं? इसलिए बोले जो विष्णु सहस्र नाम को, विष्णु सहस्र नाम को जो एक बार करेगा, और एक बार विष्णु सहस्र नाम को करे उसका जो फल है, कहते एक बार श्री किसका नाम राधा रानी राम, राम। अगर 1000 विष्णु का कोई नाम ले उसमें जो फल मिलेगी, एक बार राम नाम करने से वही फल मिलेगा, हैं? एक बार केवल राम नाम, अगर 3 बार राम नाम करने से, 3000 विष्णु नाम ग्रहण करने से जो फल मिलेगा, एक बार कृष्ण नाम बोलने पर वही फल मिलेगा। कहते 100 बार कृष्ण नाम लेने से जो फल मिलेगा, एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने से वही फल मिलेगा। इसलिए वृंदावन में जाना ना, गए वृंदावन में कौन कौन गए हो? इसलिए वृंदावन में देखना कोई कृष्ण का नाम कोई नहीं लेते, किसके नाम लेते? राधे राधे, सबके सब श्री राधा रानी के नाम लेते हैं, क्योंकि राधा रानी की कृपा हो जाएगा तो कृष्णा अपने आप वहां पर आ जाते। इसलिए राधा कृपा कटाक्ष की बहुत महिमा, इसलिए आप लोग भी इसको याद कर लेना। अगर याद नहीं होता है ना अपना घर में, इसको बैठ करके अपना घर में प्रभु जी से ले लेना, उसको लेकर रोज पढ़ा करना। इसको पढ़ोगे रोज रोज पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई देवी माँ की चालीसा पढ़ते हैं, सब जो अलग अलग सब नाम है, लेकिन ये जो 33 करोड़ जो देवा देवी है ना, जितने 33 करोड़ देवा देवी, ये सब के सब राधा जी की चरण की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए बोले उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी, ये जितने देवी कहते राधा अवतार सबे आपनाय वाणी, ये सब के सब से राधा रानी से ये प्रकट होती है। इसलिए बोले रामेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी, हैं? जितने सारे ईश्वरी की ईश्वरी जो कौन है श्री राधिका नमस्तुते, सबका जो ईश्वरी श्री राधा रानी। यहाँ तक भी जो कृष्ण है ये कौन है, ये 33 करोड़ देवता की जो मूल, ये भगवान कृष्ण है, हैं? मूल भगवान कृष्ण। वृंदावन को भी जाना, एक सेवा एक स्थान है, देखो भी वो जो कृष्ण है क्या कर रहे हैं, और राधा जी के चरण में बैठे सेवा करती है, इतने महिमा श्री राधा रानी। इसलिए ये राधा कृपा करके सुंदर बड़ी की माता जी और बढ़िया प्रेम से बोलती है। आद्यां तिमिरन्नस्य ज्ञानञ्जना शलाक्या चक्षु निलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय विद्महे श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त सिद्धधर्मानाथ इति नाम वाचां कर्तरि मन्त्रं कृत्वा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चेतन्नाम्ने गौरित्रिशेन हे कृष्ण कणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्री गोपिका कान्त राधाकान्तन मञ्जुले तत् कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रिया के स्पर्श च कृष्ण भक्ति पद देवी तत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कितने सारे श्लोक हो याद कर हमारे दीदी को श्लोक याद करवाएगी।
Bye.
देखो जैसे किसी माता ने अपना घर में भक्तों को बुलाए, घर में ठाकुर का नाम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। हमारे शास्त्र कहता है जिस दिन में घर में भक्त लोग आए, घर में कीर्तन और भगवान की कथा घर में हो, कहते वो घर घर में रह गया। कहते यदि न गृह भजन देखी गृह के गोलोक पाए, जिस दिन घर में कीर्तन कथा हो वो घर भगवान का धाम बन गया, श्री गोलोक वृंदावन धाम बन जाता है जिस घर में ठाकुर का कीर्तन होता है। इसलिए भागवत में बताए सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रा यथा चुतागर कथा प्रसन्न, जिस घर में भगवान अच्युत का कथा कीर्तन हो, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वो सारे इसी घर में आ जाते हैं। केवल तीर्थ नहीं, वहाँ पर जितने देवा देवी हैं। इसलिए भागवत का पद्म पुराण में बताए जब गोकर्ण भागवत कथा करने जा रहे थे, सर्वप्रथम कौन आए, सारे वैष्णव लोग दौड़ दौड़ते आए, उसके बाद में स्वर्ग लोग से देवता लोग वहाँ पर आए, उसके बाद में जितने ऋषि मुनि सबके सब आए, बोले उसके बाद में जितने गंगा जमुना सरस्वती प्रयाग कुरुक्षेत्र जितने तीर्थ सबके सब आए, बोले उसके बाद में दंडकारण्य आदि जितने वन भी साक्षात रूप धारण करते उसी घर में आ जाते हैं, जिस घर में भगवान का कीर्तन हो गई कथा हो गई। कहते घर का ना मंगल होगा ना अमंगल आ रही, घर का सारे अमंगल घर से दूर हो जाता है, घर में मंगल मंगल में हो जाता है। जिस घर में कीर्तन हो ना, जैसे किसी घर में कोई वास्तु दोष काल सर्प का दोष ग्रहक पीड़ा की दोष अलग पूर्वजों का पितरों का दोष बहुत सारे दोष रहता है, आप देखना कभी घर में रुपया पैसा सब कुछ घर में, लेकिन कभी कभी देखना घर में शांति नहीं, किसको साथ में किसकी बनती नहीं, बच्चा बात नहीं सुनता, भूख को साथ में लड़ाई झगड़ा, घर में सब चीज़ है घर में, लेकिन कभी कभी घर में शांति सुख नहीं है। लेकिन जब घर में प्रभु का कीर्तन भक्ति होने हो जाए ना, घर का जितने दोष है सबके सब दोष घर से निकल जाते, सारे दोष घर से निकल जाते, वो घर भगवान की धाम हो जाता है। इसलिए आप लोग भी अपना घर में जैसे आपका शादी की सालगिरह होती है, बच्चे का बर्थडे होता है, हम कभी कभी सारे यार दोस्तों को घर में बुलाते हैं, हैं पार्टी करते हैं, हैं इनको भी बुलाओ, लेकिन भक्तों को भी बुलाओ, भक्त लोग आएंगे वेद मंत्र पढ़ करके बच्चों को आशीर्वाद देंगे, अपना बच्चों को आशीर्वाद देंगे तो उसका जीवन भी जीवन अच्छा भी बनेगा, हैं उसको फिर अच्छा संस्कार पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसे नहीं उल्टा पुलटा डीजी उल्टा पुलटा बजा करके केक कटवाते हैं, और ये हमारी संस्कृति नहीं, केक कटवाओ लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं, ये अंग्रेजों का संस्कृति है, और हमारी संस्कृति है ठाकुर का कीर्तन हो, भगवान का नाम हो, भगवान का भजन हो, जिससे बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार पड़े, फिर उसमें मोमबत्ती जलाते फिर मोमबत्ती को बुझा देते, बुझा देते ना, कैसे करते ना बुझा देते, नहीं ये सब गड़बड़ी बात है, ये सब ठीक बात नहीं है, हैं। इसलिए भगवान का कीर्तन कथा बच्चों को आशीर्वाद मिले भगवान का कृपा से, क्या होगा उसमें बच्चा का जीवन भी बढ़िया, ठीक है ना। आप लोग का अपना अपने घर में, और जिस घर में बच्चे हैं, जिस घर में हमारे कोई बड़े गुरु जी, जो हमारे बड़े गुरु जी हैं, हमारे बड़े गुरु जी को किसी ने कहा पिता गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे घर घर में ही कहानी बच्चे बात नहीं सुनते, तो गुरु जी ने क्या कहते, बोले बेटा कभी रामायण पढ़े हो, बोले नहीं, बोले बच्चों को भी रामायण पढ़ा है, बोले नहीं, बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा कोई जरूरत नहीं, कहाँ पर लिखा हुआ है सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूने जाए, रामायण कहते ना भगवान राम कहते प्रात उठ ही रघुनाथा और माँ तो पी तो गुरु नमाता, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण, अब रामायण देखा होंगे ना, जब दशरथ महाराज शहीद किया होंगे कहते ना भगवान राम जा करके अपना पिताजी की चरण की सेवा करेगा, रामायण से सीखने को मिलता है। रामायण भगवान राम ने क्या किया, पितृ आदेश पालन करने के लिए 14 साल के लिए वनवास गए, फिर अपना माँ नहीं, अपना माँ तो कौशल्या है कई कई की, विमाता के आदेश पालन करने के लिए कितना साल के लिए गए, 14 साल, अपना बेटे को 14 दिन के लिए मेरे कोई काम कर दो, 14 दिन के लिए तो मनमान ढंग से घूमने के लिए कहीं चले जाएगा, हैं कहीं घूमने के लिए चले जाएगा, लेकिन पिता माता की आदेश को पालन करने के लिए एक दिन भी जाने तैयार नहीं होगा, गुरु जी कहते थे क्यों, चूंकि हम रामायण पढ़ते नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते, स्मार्टफोन दे लोग साथ स्मार्टफोन दे उल्टा उल्टा जिनसे देखें बर्बाद कर लो, स्मार्टफोन 20-25-30,000 रुपया 50,000 रुपया की
स्मार्टफोन उसको पकड़ा देते हैं। कभी बोलते हैं बेटा थोड़ी सी रामायण पढ़ सके, एक माला जप कर भगवान का एक माला, कभी बोलते हो कभी नहीं बोलते बच्चों को। इसमें दोष किसका? अपना दोष है। बोले बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे बात, बच्चों को स्कूल में जोर जबरदस्त भेजते कि नहीं, सबर सबर उठा कर भेजते कि नहीं, जब जोर जबरदस्त उसको स्कूल भेज सकते हो। अब बच्चे थोड़ी सी लिखाई पढ़ाई सीखते हैं ना, देख क्या होता है, तुम हमारा क्या जानते हो, हम PhD किया इंजीनियर सब तुम क्या जानते हो, बच्चों को आँख दिखा दी नहीं, जो विद्या पढ़ करके बच्चों को आँख दिखाए उल्टा उल्टा बोलो उसके लिए सब करते हैं, लेकिन क्या बच्चों को नहीं बोल सकते बेटा थोड़ी सी गीता का एक श्लोक याद करके जा, रामायण थोड़ी सी पढ़ करके जा, सुंदरकांड पढ़ करके जा थोड़ी सी, नहीं तो एक माला ठाकुर का जप करके जा। इसलिए घर में नियम बनाओ, क्या नियम बनाओ, बोले जब तक तू एक माला जप नहीं करते तो भोजन नहीं देगा, एक माला जप करो जैसे गीता की तो एक श्लोक उसका व्याख्या है, एक पढ़ कर देखना बच्चा संस्कारी बनेगा, अच्छा बनेगा बच्चा, पिता माता की बात सुनेगा है, पिता माता की सेवा करेगा, अच्छा बनेगा। लेकिन पहला गुरु कौन है? पिता माता। पहला गुरु कौन है? सबसे पहले तो माता है, उसके बाद में पिताजी, क्योंकि बच्चा ज्यादा करके माँ की गोद में जीवन बिताता है ना। इसलिए अभी अगर माँ अगर जो चीज़ करता है ना, आज एक इतना छोटा बच्चा आकर माला ले गया, एक दिन छोटा बच्चा, क्योंकि उसका माँ माला करती है, वो बच्चा देखता रहता है माँ क्या कर रही है, कहती है क्या हाथ में उंगली घुसा करके हरे कृष्ण करती है, वो बच्चा बच्चे बोले भैया मैं भी करूँगा माला, मैं भी माला करूँगा, मैं कोई भी बच्चा ले गया माँ के पास में, जिसकी मैया ने फिर सगर लेकर के आई आकर बोले बाबा मेरा बच्चा बोलता है मैं भी माला करूँगा, तू क्या कर रहे हो। माँ जो करता है ना बच्चे वही तो देख देख कर सीखता है। अगर हम भी दिन भर टीवी पर उठ बैठ कर देखते रहे, स्मार्टफोन लेकर दिन भर इधर उधर देखें, बच्चा तो वही सीखेगा ना, बच्चा तो वही सीखेगा। पहला गुरु तो पिता माता है, अगर हम माला जप करेंगे, रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, बच्चे भी हमसे सीखेगा हमसे, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, लेकिन आपकी पहला है माँ को अंदर में भावना कैसे आएगी, कितना बिनु सत्संग विवेक ना हुई राम कृपा बिनु सुलभ ना हुई। लेकिन हम जब तक सत्संग में नहीं बैठेंगे हैं, जब भक्तों को संगत में नहीं बैठेंगे, हमारे में रंग कैसे चढ़ेगी। देखना जैसे व्यक्ति को साथ में बैठोगे वैसे रंग चढ़ जाती है, जैसे चोर को साथ में रहो चोर बन जाओ, गंजड़ी को साथ में गंजा पीना शुरू कर दे, शराब के साथ शराब बन जाओगे, और भक्तों के साथ में बैठोगे तो क्या बन जाओगे। इसलिए हमारे पास में मंदिर है, कथा होती है सवेरे शाम को, थोड़ी सी उधर आया करो। मैं कभी कभी जब जाता है ना रास्ता में देखता हूँ, सब माताएं तीन चार बैठ करके उसको छोरी ऐसे कर रहा है, उसका बेटी बहू और सास में बन नहीं रही है, घर में दुनिया की सारे बाप को बैठ बैठ कर करते रहते। लेकिन मंदिर में आकर थोड़ा भगवान की कथा सुने, भगवान के नाम सुने, सत्संग सुने, जिसमें बच्चों का घर में अच्छे संस्कार पड़े, अपना भाव थोड़ा बने, वो काम नहीं करते हैं। अब बैठ करके दुनिया की सारी इधर उधर बात करती, ठीक है ना। इसलिए घर घर में बुलाना भक्तों को, कीर्तन होगा घर में, ठीक है ना, फिर सब घर में बुलाना भक्तों को, बुला करके कीर्तन करो, सत्संग कराओ, बच्चों को समझाओ। और हमारी ये प्रभु जी खड़े जाए, ये अनिरुद्ध प्रभु जी, ये प्रभु जी ये बच्चों के लिए ना सेमिनार देते हैं, ये अभी 6 और 7 यहाँ पर 2 दिन वहाँ बच्चों के लिए सेमिनार देते हैं, पढ़ाई कैसे बढ़िया होगा, हमारे अंदर अच्छे संस्कार आए, हमारी भावना कैसे प्रभु के चरण में हो। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे आप लोग हो, आप लोग अंदर में पिता माता की अच्छे संस्कार आप लोग हो पाए, इसलिए ठाकुर को पूजा से। अभी बच्चों का अंदर कोई दिखते हो बता, तुम्हारे बच्चों का अंदर कोई दिखता है? नहीं दिखती है। अभी जो नई जो जनरेशन आ रही है ना, उनके अंदर में कोई संस्कार नहीं, दिन भर केवल स्मार्टफोन ले करके और यार दोस्त को जाते। लेकिन आपको अच्छे संस्कार पढ़ा, माँ से पिता से पढ़ा ना, आप लोग देखते होंगे पिता माता सवेरे उठकर पूजा सेवा करते थे, इसलिए तुम लोग सत्संग में बैठे हो। पर बच्चे लोग अगर बैठते हैं नहीं बैठे, नहीं बैठते, क्योंकि उसको ऊपर अभी जो अभी हम सब जैसा विदेश को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, विदेश को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी हमें फॉलो कर रहे हैं। वृंदावन को भी जाकर देखना, अंग्रेजी मंदिर को तिलक करके माला लगा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे सब भगवान का नाम जप करते हैं, अंग्रेजी को देखते सब ठाकुर का नाम जप करते हैं, है ना। इसलिए देखो यहाँ पर भी कुछ बच्चे लोग हैं, देखो वो भी ध्रुव जी बैठा हुआ, सब प्रहलाद ध्रुव सब बैठे, ये सब कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं बच्चे, क्यों सत्संग में आए ना। इसलिए सत्संग में आते हैं तो पिता माता आते हैं, इसलिए तो प्रभु जी धीरे धीरे संस्कार पर। इसलिए हमारे प्रभु जी कुछ हैं,
सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तदुपरांत यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमारे घर में भगवान के जो ऐसे भक्त हैं जो निरंतर वो भगवान से कुछ और नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? केवल भगवान का प्रेम, केवल भगवान की भक्ति। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। दुनिया में तो देखने में आता है बहुत साधु हैं, लेकिन वो साधु केवल दिखने देखने मात्र से, हो सकता है उनके मन में बहुत सारी इच्छा हो। शुद्ध साधु मिलना बहुत कठिन है कलयुग के अंदर में, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि ऐसे साधु वैष्णव जिनका एकमात्र उद्देश्य भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है, वो हमारे घर में आए हैं। ऐसे साधु जिनके चरण जिस घर में पड़ जाए वो घर फिर क्या घर नहीं रह जाता, वो घर क्या हो जाता है? तीर्थ। क्या हो जाता है? क्योंकि ऐसे जो साधु होते हैं उनके जो चरण कमल है वो क्या तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करते, तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करते। जब गंगा जी इस धराधाम पे आ रही थी, आपने सबने सुना है ना, गंगा जी को कौन लेकर के आए? जोर से बोलिए, भागीरथ। इसलिए गंगा का एक नाम क्या? भागीरथी है ना। जब वो लेकर के आए तो गंगा बोलेगी मुझ में तो सब लोग जाके स्नान करेंगे, अपने पाप धोकर के चले जाएंगे, है ना, फिर मैं तो अपवित्र हो गई, मेरा कैसे कल्याण होगा? तब वहाँ पे वरदान देते हैं कि आपके सब सिर्फ पापी थोड़ी ना आएंगे, ठाकुर जी के भक्त भी तो आएंगे, वो जब आकर के आपके जल में स्नान करेंगे तब आप पवित्र हो जाएंगे। इसलिए बोला भवधिदा भागवतास तीर्थीभूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी स्वंतस्ते न गदाभृत। जिनके हृदय में ऐसे ठाकुर जी हैं वो गंगा को भी पवित्र कर देने वाले। और बोला कि गंगा में तो डुबकी लगानी पड़ती है तब जाके पवित्र होते हैं। अगर आप गंगा में गए और नदी किनारे जाए, गंगा मैया तेरी शरण में जो भी आया बोल करके आ गए, तो क्या कल्याण हो जाएगा? डुबकी लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? डुबकी लगानी पड़ेगी, बड़ी ठंड। लेकिन साधु दर्शन कैसा? दर्शने पवित्र करे हे तुमार गुण। केवल दर्शन मात्र से जो हृदय को पवित्रता प्रदान कर दे वो कौन है? साधु। इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे घर में ऐसे साधु वैष्णव आए हैं, भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, समझो बहुत ही हमारा सौभाग्य है। अब जो गुरुदेव बता रहे थे, जैसे आजकल देखने में आता है कि जो पुराने लोग थे है? जिनकी अपब्रिंगिंग 90 से पहले तक हो चुकी है, 1990 से पहले तक जिन लोगों की पढ़ाई लिखाई माता पिता का संस्कार हो चुका है, उनका संस्कार बड़ा अच्छा है, स्वाभाविक रूप में हृदय में श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है ना। लेकिन उसके बाद खास करके 2000 के बाद जो जनरेशन है उसमें वो चीज़ देखने में नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। कितने लोग मानते नहीं आ रही? हाथ खड़ा करके बताओ, कारण बताओ मैं क्या है, कारण बता दूं? कारण कौन जानना चाहता है? हाँ कारण बताओ, कारण बताओ आंदोलन।
कारण यह है कि उसके पहले जो जनरेशन थी उनकी परवरिश कैसे हुई है, दादी नानी माता पिता के साथ में रामायण की कथा सुन सुन के, भागवत की कथा सुन सुन के वो बड़े हुए हैं। आप लोग जैसे हैं, ये नहीं सुना होगा तो कोई देवी देवता की कथा, इस तरह का संस्कार होगा। लेकिन उसके बाद जो बच्चे हुए हैं, विशेष करके 2000 के बाद, उनकी परवरिश कहाँ से हुई है, टीवी से। वो देखो वो बाहर जा रहे वो करते हुए, देखा, इनकी परवरिश हुई टीवी से। टीवी से जी न्यूज है, जी टीवी, सोनी टीवी, इनसे इनकी परवरिश हुई है। एक सही बात है ना, कितने लोग मान रहे हैं हाँ ये सही बात, इनकी परवरिश टीवी से हुई है। और टीवी क्या है, कली यंत्र। और टीवी तो फिर भी जो क्या कहते, फिर भी ठीक था, टीवी बड़ा होकर के भी इतना खोटा नहीं, लेकिन फोन जितना छोटा उतना ही खोटा है ये फोन, और भी छोटा और उतना ही खोटा है ये फोन, और भी खतरनाक है। इसीलिए क्या हो रहा है, संस्कार बहुत खराब होता चला जा रहा है, बहुत खराब होता चला जा रहा है। बच्चों की तो बात छोड़ो, बड़े ही सब लगे आजकल, देखना सब 40 पार सब फेसबुक पे मिलेंगे ऑनलाइन, काम ही नहीं है। बच्चे सब पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने चले गए, अब क्या करे, तो फेसबुक बूढ़े लोग चला रहे। पहले क्या होता था, सब कर कुरा के भगवान का भजन कर लिया करते थे, अब तो भजन की सब बात सब दूर हो गई। हाँ, चश्मा लगा लगा करके देखते। मेरी दादी खुद फोन चलाती है, 80 साल की खुद फोन चलाती है, अभी आंख से दिखता नहीं तो अंदाजा मार के चला देती है, खट 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 दबा देती फोन। कैसे हो रहा है, कैसे संस्कार खराब होता चला जा रहा है। इसीलिए ये जो टीवी है, अगर ये जो टीवी से संस्कार बच्चों का खराब हो गया, अब हम उनको बहुत कुछ समझाएंगे तो वो समझेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर अब उनको समझाना है तो उनको अभी की भाषा में समझाना पड़ेगा, उनको प्रमाण देने पड़ेंगे, भैया ये जो गीता में बात लिखी है झूठी बात नहीं है, इन सब के पीछे साइंटिफिक रीज़न है, साइंस भी आज उन बातों को मानता है, हमारे शास्त्रों में जो बात कही थी, जो भविष्यवाणी करी थी, वो आज सत्य हो रही है। शास्त्रों में तो कितने पहले ही कह दिया गया था कि कली में क्या होगा, भाई भाई का दुश्मन, पति पत्नी शत्रु है, सब समाज में पूरी अब व्यवस्था में पूरी गड़बड़ हो जाएगी, तो आज हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है ना। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, ये तो प्रथम ही खंड है ये कलयुग का, अभी तो पूरा बाकी है, आगे बड़ा खतरनाक होने वाला है। लेकिन इन सब में भी अगर भगवान की भक्ति कर ली, अगर भगवान के कर लिया तो समझो क्या है, तो समझो कि हम सुखी हैं। देखो एक पेंटर था, देखो ध्यान से सुनो एक छोटी सी कहानी, इस कहानी को ध्यान से सुनना, इस कहानी को अगर समझ गए ना तो हमें जीना आ जाएगा। एक पेंटिंग का कंपटीशन था, जिसके अंदर कंपटीशन ये रखा गया था, बहुत सारे दुनिया में जो चित्रकार होते हैं ना, जो चित्र बनाते हैं, उनका प्रतियोगिता थी। वो प्रतियोगिता में बोला कि भाई सबको पिक्चर बनाना है, और पिक्चर क्या बनाना है, पीस, शांति। किसके ऊपर पिक्चर बनाना, शांति, शांति की थीम को लेकर के सबको अपनी अपनी पिक्चर बनाना, जिसका सबसे अच्छा लगेगा उसको इनाम मिलेगा, पहला पुरस्कार मिलेगा। तो उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी पिक्चर बनाई। अब क्या हुआ, ऐसे करते करते उसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें से 10 लोगों को निकाला कि आपकी सबसे अच्छी है, 10 में से 5, 5 में से फिर 4, फिर करके 2 निकाले कि ये 2 सबसे अच्छी पेंटिंग बनी है। वो 2 पेंटिंग बहुत ही सुंदर पेंटिंग थी। एक अब दोनों पेंटिंग में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक पेंटिंग के अंदर एक शांत झील, जिसके अंदर नीला नीला पानी, उसके अंदर बादल है, और सुंदर पेड़ फूल खिले हुए हैं, और एकदम सुंदर नज़ारा, जिसको देख करके मन में क्या हो जाए, शांति आ जाए। एक ऐसा फोटो था, और एक ऐसा फोटो था जिसके अंदर पूरा सूखा, पथरीले पहाड़, पूरा सूखा, ऊपर से तेज धूप है, ऊपर से तेज धूप, और एक सूखे पूरे पहाड़ों के बीच में एक हल्की सी जो पहाड़ों में दरार होती है ना, उस दरार से एक डाली बाहर आ रही थी, और उस डाली के ऊपर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, और उस घोंसले के अंदर अपने चूजों को वो खिला रही थी चिड़िया। ये 2 पेंटिंग थी वहां पे। अब बताओ दोनों में से कौन सी पेंटिंग में नाम मिला होगा। एक में तो नदी है, एकदम शांत है, आसमान है, और एक में क्या है कि पूरा सूखा फूखा पड़ा हुआ है, पत्थर है,
एक चिड़िया बच्चों को खिला रही, बताओ दोनों में से कौन सा सही है? क्यों क्यों वेरी गुड दीदी के लिए ताली बजाओ, उन्होंने बहुत सही जवाब दिया। शांति का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे आसपास शांति हो, शांति कौन सी? अंदरूनी शांति, आत्मा की शांति हमारे अंदर की। उस चिड़िया के आसपास पूरी वातावरण अनुकूल नहीं था, सब सूखा पुखा सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण उस चिड़िया ने जगा करके रखी। जगा के रखी कि नहीं रखी है? कैसे? कि वो उसमें भी परिश्रम के अंदर भी बड़े सुख के साथ में अपने चिड़िया के बच्चों को लालन पालन बड़े आनंद से वहाँ पर रह रही। इसका मतलब जो सुख है वो आसपास नहीं है, सुख कहाँ है? अंदर। अच्छा, शरीर को शांति तो कभी नहीं मिलती, वो तो मरता तभी शांत हो जाता है। क्या बोलते हैं? वो तो जी शांत हो गए बोलते हैं ना, बोलो वो तो गए शांत हो गए। लेकिन आत्मा को शांति कब मिलेगी? आत्मा को शांति मिलेगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तूर्णम यतेत न पते अनुमृत्यु यावत, पता नहीं कब ये शरीर मिट जाए, कोई भरोसा है क्या इस शरीर का? किसी को भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम्। बोले हरेर्नामेव केवलम्, निश्वासे नहीं विश्वासो, ये जो सांस गई ये वापस आएगी कि नहीं आएगी किसी को नहीं पता। पता है किसी को? नहीं पता। इसलिए वहां पे क्या बोल रहे हैं? कीर्त नियम तो बाल्यात्, बाल्यावस्था से ही नियमित रूप से कीर्तन करो। क्या? हरेर नामेव केवलम, हरि का नाम, वरना क्या होगा? वरना क्या होगा? ये शरीर तो हमें इतना अनमोल मिला था, कितना अनमोल ये शरीर है आप सोच नहीं सकते। इस शरीर से आप जगत के बड़े बड़े कार्य कर सकते हो, आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पता नहीं क्या क्या बन सकते हो, यहाँ तक कि इंद्र वरुण क्या क्या देवी देवता बन सकते हो, यहाँ तक तो छोड़ो भगवान की गोद में जाकर के भी बैठ सकते हो केवल इस शरीर से। लेकिन हमने शरीर से क्या किया? हमने शरीर से क्या किया? हमने शरीर से क्या करा? बस बस थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, शादी करके बच्चे करके बस पाल पोस करके हम लोगों ने चूल्हे में रोटी सेक करके जीवन निकाल लिया। ऐसा ही है ना, कितना अनमोल जीवन है, इस जीवन से हम क्या नहीं कर सकते। इसलिए एक भजन है बड़ा सुंदर, मैं आपको सुनाता हूँ, उस भजन में बड़ी बड़ी शिक्षा है। देखो सुनो, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, तू है बुलबुल पानी का, मत कर रे जोर जवानी का, संभल संभल के चलना रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का, अब तो आँखियाँ खोल रे, हिल मिल के तू डोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। और क्या बोला? हम सोचते हैं ना कि संसार हमारा है, ये बच्चे परिवार कोई किसी का नहीं है, मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है, संभल संभल के चलना रे बंदे, फूल नहीं अंगार है, अब तो आँखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ ले, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। फिर करना क्या है जब मनुष्य जन्म इतना अनमोल है, तो फिर करना क्या है? तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे हरे कृष्णा गाया कर, लगता नहीं कुछ मोल रे, यह वस्तु बड़ी अनमोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सही बात है ना, मिलेगा दोबारा से, क्या कर लो भगवान का। इसलिए अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। तुलसीदास जी कौन है? जिन्होंने रामचरित्र मानस लिखी है। वो कहते हैं कि दुनिया में करने को बहुत कुछ है,
शास्त्र इतने हैं, कितने शास्त्र पढ़ोगे? पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, शास्त्र कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो फिर करना क्या है? इतनी छोटी आयु है हमारी, कितनी छोटी, उसमें सोना भी है, खाना भी, ऑफिस भी जाना है, बच्चों को भी खिलाना, कितना कुछ करना है, फिर करे कैसे? तो तुलसीदास जी देखो उपाय बता रहे, साधारण उपाय, सरल उपाय, सबसे सरल उपाय। वो कह रहे हैं अल्प तो अवध जीव ता में बहुत कुछ करीबे को बहुत कुछ पर काह काह कीजिए। समझ रहे हो? अल्प तो अवध जीव ता में बहुत सोच पोच करीबे को बहुत कुछ पर काह काह कीजिए। वेद का है पारना पुराणन का अंत नहीं, वाणी तो अनेक चित्त कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु, रस तो रंगीले कहां कहां पी आवत नहीं। किसी के मुंह पे अगर राम नाम है, कोई भक्ति थोड़ा सा सत्संग में आ गया, साधारण नहीं है, बहुत जन्मों के उसके कर्म है, बहुत जन्मों के पुण्य करके आया है, लेकिन बच्चे का क्या करे? आप लोग शिक्षा दीक्षा तो दे दोगे जब तक आपके अनुगत्य में रहेंगे, जब तक ठीक भी रहेंगे, लेकिन जब यहाँ से निकल करके बाहर जाएंगे ना, असली परीक्षा जब चालू होगी, अगर आप संस्कार नहीं डालोगे, जैसे ये डब्बा है, जैसे ये ग्लास है, ये अभी ग्लास क्या है, खाली है। अगर आपने इसमें अच्छा संस्कार नहीं डाला, आपने इस ग्लास को नहीं भरा, तो बाहर बहुत लोग पानी लेके घूम रहे हैं, वो भर देंगे इसको। समझ रहे हो? आपने नहीं सिखाया बेटा भगवान का नाम करो, कुछ साथ में जाने वाला नहीं, भगवान ही सबकी रक्षा करने वाले। ध्रुव की माँ ने क्या बोला था? ध्रुव जी का नाम सुना है ना, जब ध्रुव जी के पिताजी गोद में बैठना चाहता था तो सौतेली माँ ने हटा दिया, उठ उठ, यहाँ बैठना हो तो मेरी कोख से पैदा होना पड़ेगा तुझे, बड़ा आया बैठेगा गोदी में। रोता रोता माँ के पास में गया सुनीति, सुनीति माँ ने अच्छी नीति वाली अच्छा ज्ञान दे, माँ क्या बोली? बोला बेटा ये पिता तो नकली पिता है, ये तुझे क्या गोदी में बिठाएगा, जा जाकर भगवान की गोदी में बैठना, वहां जाकर एक बार बैठोगे ना ये कहीं नहीं लगता तुम उसके सामने। और ध्रुव ने क्या किया, मात्र 5 वर्ष की आयु में वैकुंठ विजय कर दिया, काल के सिर पे पैर रख करके कहाँ चले गए, भगवान के धाम को चले गए ध्रुव लोग। और जब रथ पे चढ़ रहे हैं तब बोल रहे हैं मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ किधर है? तो वो जो विष्णु दूत लेने आए थे बोला ध्रुव तुम क्यों चिंता करते हो, है जिसका पुत्र 5 वर्ष की आयु में भगवत प्राप्ति कर ले उसकी माँ क्या साधारण है? वो देखो तुम्हारी माँ तुमसे आगे रथ पे चढ़ करके वैकुंठ की ओर जा रही है। इसीलिए जो माँ बच्चे को भजन की शिक्षा देती है ना, वो बच्चे से पहले वैकुंठ की ओर जाती है, इसलिए ये साधारण बात नहीं है। इसलिए जो अच्छी नीति बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, बोला बेटा भगवान का भजन करो। ये जो तुलसी परिक्रमा हम करते हैं ना, इसके पीछे वैज्ञानिक अर्थ है, तुलसी के अंदर सारे बैक्टीरिया खा जाने की क्षमता है। इसलिए तुलसी कहाँ लगाते हैं? आंगन में, क्योंकि सारी की सारी जो नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आएगी, बाहर से ही तो आएगी, इसलिए तुलसी कहाँ लगा देते हैं? बाहर में। फिर आरती करते हैं, आपने कभी देखा है जब ठाकुर जी की आरती करते हैं, जब तुलसी जी की आरती करते हैं, जब तो हम आरती को लेते हैं है ना, क्या करते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे की आरती करते हैं, जब कोई राजा महाराजा जीत करके आता है या कोई जब दूर से आता है उसकी आरती करके क्या करते हैं, उसको आरती ऐसे दे करके उसको फिर आरती लेते हो क्या? क्यों ले लिया करो, थोड़ा सा ऐसे करो, पूरा सबको बांट करके पैसे चढ़ा चढ़ा के बोला लो हमने हमारे पिताजी की आरती उतार ली, ले लो थोड़ा थोड़ा सब, क्यों नहीं करते? कारण भी तो होगा ना कुछ। कारण क्या है कि हर एक व्यक्ति की एक औरा है। क्या है? एक औरा। हमारे आसपास एक हवा मंडल है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है। जब कोई बाहर से युद्ध से कहीं से आया है तो अनेक प्रकार की नेगेटिविटी उसके ऊपर में है। जब वो घर में आया है तो उसका आरती उतार करके अग्नि से उसको पवित्र कर देते हैं, उसकी नेगेटिविटी को बाहर की भारी छोड़ देते। लेकिन जब ठाकुर जी की आरती करते, गुरु जी की आरती करते, तो क्या है, वो तो परम पवित्र वस्तु, फिर वो जो एनर्जी अग्नि के माध्यम से हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। ये शिक्षा, साइंटिफिक रीजन, भगवान के नाम रखने का क्या, ये जो नाम रखते हैं ना, बच्चों का नामकरण संस्कार होता है आजकल, कितना गलत सलत नाम सब रख देते। आजकल क्या चल रहा है, आधा माँ का नाम मिला देते हैं, आधा बाप का नाम मिला देते, जो भी बन जाए वो रख देते, जो भी बन जाए, माँ का नाम कुछ भी था, बाप का नाम कुछ भी था, मिला जुला करके रख दिया, बोला ले बेटा तेरा यही नाम है। लेकिन ये नामकरण संस्कार एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है इसके अंदर, भारत के अंदर, विदेश में कुछ नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है, ये पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड ध्वनि पे आधारित है। किस पे आधारित है? ध्वनि, मूल ध्वनि है ओम। कौन सी ध्वनि है? ओम, ये प्रणव, मूल ध्वनि।
जब सूर्य, अभी जब आपने न्यूज में सुना था क्या, कुछ दिन पहले आया था, 3-4 साल पहले, सूर्य के अंदर से आप जो पूरा ब्रह्मांड के अंदर सूर्य के पास से जब आवाज को रिकॉर्ड करी तो कौन सा साउंड आ रहा है, ओम ऐसा साउंड आ रहा है। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड ध्वनि पर आधारित है। जब बच्चा जिस समय पैदा हुआ है उस समय पूरे विश्व ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों का कैसी स्थिति थी, स्थिति के अनुसार वहां पे शब्द होता है। क्या होता है? शब्द, साउंड होता है। हमें वो साउंड सुनाई नहीं देता लेकिन वो साउंड होता है। बड़ा वैज्ञानिक सूक्ष्म अर्थ है। इसलिए जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो साउंड उसके लिए अनुकूल होता है। इसलिए उसकी राशि के अनुसार आ ई ल ई ऐसे करके नाम निकलते हैं, उसके ऊपर नाम रखना पड़ता है उसका। रखते थे ना पहले, उससे क्या होता था, जितनी बार जैसे उसका नाम ल से निकला उसका नाम रखा लक्ष्मण, जितनी बार बोलेगा लक्ष्मण लक्ष्मण ल ल ल, जितनी बार ये नाम का उच्चारण उसके कान में जाएगा उतनी बार उसमें पॉजिटिविटी एंटर करेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन उस व्यक्ति को, उसको हेल्थ को, हर चीज को इम्प्रूव करेंगे। ये एक और अर्थ है, साउंड इंजीनियरिंग है ये भारत की। लेकिन क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं था कि क्यों करते हैं क्या करते हैं, इसे नामकरण संस्कार, पंडित जी आए निकाल करके बोला आई वो ये निकला है, बोला हाओ बड़ा आया पंडित, अपने आप रखेंगे, हम अपने आप रख देंगे इसका नाम, जो स्कूल में सबसे पहले बैठ जाएगा, बोला ए से नाम रख देंगे तो सबसे पहले रोल नंबर ए हो जाएगा, वायवा में बैठेगा तो सबसे पहले इसी का नाम आ जाएगा, है ना। इसलिए क्या करते हैं, इसका नाम हम जेड से रख देते कुछ, ताकि आखिरी में इसका नाम आए, इसलिए जी से रख दिया, जी नतले जा। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना। भागवत में पढ़ करके देखो, अजामिल के पुत्र का नाम क्या था, नारायण। यमदूत जब लेने आए उसको, जब मारने लगे, निकाले उसके प्राण को, हरण करने लगे, डर के मारे बोला नारायण बचाओ मुझे नारायण, छोटे बच्चा था ना, बच्चे से प्रेम था, किसको याद किया, अपने बेटे को, नारायण नारायण बुलाया तो वह भगवान के दूत आए और उसकी रक्षा हो गई। इसलिए आप लोग क्या करो, बच्चों के जो नाम बदल दो, बड़े हो गए तो घर में कुछ नाम रख दो उनका बदल करके। इसलिए अभी तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है उनका नाम किस पे रखोगे, इतने सुंदर सुंदर नाम है, राम नारायण लक्ष्मण, कितने सुंदर सुंदर नाम है भगवान, सहस्त्र नाम बताएं कितने नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, वो सहस्त्र नाम में से कोई नाम है, कृष्ण के इतने नाम, कितने सारे नाम भगवान के भक्तों के नाम, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन लोग कुछ भी नाम रख देते आजकल, कुछ भी नाम रख देते, पता भी नहीं क्यों नाम रख दिया हमने इसका। ये वो पूछकर उनके एक किसी साउथ में हमारी ऑफिस में काम करती थी, उसका नाम विष्ठा था। मैंने बोले क्या नाम रखा हुआ, तो पता भी क्या मतलब इसका, बोला रखा हुआ है बस। नहीं नहीं झूठा नहीं होता विष्ठा, मतलब विष्ठा मतलब पॉट्टी, ये नाम रखा हुआ था। इसीलिए ये नामकरण संस्कार ये सब हमारी वैदिक संस्कृति है। इसलिए ये सारी की सारी चीजों को जान लो, अगर आप लोग जान लोगे ना ये सारी चीजें, सारे फैक्ट्स, दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, आत्मा को शांति कैसे मिले, डज गॉड एग्जिस्ट, सर्च फॉर हैप्पीनेस, वेदास आर रियल और मिथ, अगर ये सब आप लोग जान गए तो आपके माध्यम से बहुत लोग जान, जैसे बोलते ना लड़की पढ़ेगी तो क्या पढ़ेगा, पूरा परिवार पढ़ लेगा, ऐसा बोलते ना, क्यों क्यों, वो लड़की के कंट्रोल में सब कुछ होता है, घर की प्रधानमंत्री तो वही है ना, प्रधानमंत्री वही। इसलिए वो जो बोलेगी, इसलिए क्या है, आप लोग सब लोग सीख करके औरों को बताओ, देखना आपके जीवन में भी बड़ा अद्भुत परिवर्तन आएगा। और इसी से ही हमें वास्तविक रूप में शांति, जहां से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, शांति कहाँ मिलेगी, बताया था ना वो चिड़िया, घर में रह करके सभी समस्याओं के बीच में जिस व्यक्ति ने भजन किया, जिस व्यक्ति ने समस्त पर विपरीत परिस्थिति के अंदर में भी जिसने अगर भगवान का थोड़ा बहुत भी भजन कर लिया, थोड़ा सा कीर्तन, थोड़ा सा भगवान का नाम, वही व्यक्ति वास्तविक रूप में शांति को प्राप्त कर सकता है। ये बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंशाकल सब, अब लोग सब मंदिर में आना, ठीक है। अभी 6-7 तारीख को ये प्रभु सेमिनार देंगे, बच्चों के लिए सेमिनार देंगे। सब बच्चे कितने कितने उम्र के तुम्हारे, सब बच्चे हैं थोड़ी सी, जो थोड़ा लिखे पढ़े से समझदार बच्चों को लेकर आना, ठीक है। कितने कितने उम्र तुम्हारे बच्चों की, कितने, 7-6 बोलो, बड़े बड़े बाहर जा रहे हैं, कितने लोगों का, 16, कितने बच्चे तुम्हारे, बच्चे 7 साल नहीं, वो तो है 13 साल, 11 साल 10 साल, लो बच्चे तभी लेकर आना, ठीक है, वरना ग्लास कोई दूसरा भर देना।
बड़ों को ना ले हां बड़ों को ले आओ बड़ों को तो जरूर बड़ों को तो लेकर आनी चाहिए उनका दिमाग में घुस गया तो भक्ति करेगा घर का मेन व्यक्ति भक्ति करेगा तो सब आप उसको पीछे पीछे सब के सब चलेगा ना उसको पीछे ठीक है ना सब बड़े छोटे सब को लेकर देखो 6 और 7 दो दिन इसलिए रखा 6-7 और शनिवार और शुक्रवार सबका छुट्टी रहता है इसलिए उसमें रखा गया ये जो सेमिनार होगी इधर सुना सेमिनार जो होगी 11 से 1 बजे तक उसके बाद में प्रसाद भी वहाँ पर थोड़ा बहुत भगवान का प्रसाद भी मिलेगा वहाँ पर ठीक है प्रसाद लेकर के आना धीरे 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 आप भी भक्ति करो बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो एकादशी व्रत रखती हो एकादशी व्रत सब एकादशी व्रत रखो एकादशी से बड़ा व्रत दुनिया में कुछ नहीं इसलिए एकादशी जो व्रत रख लिया ना उसको सब व्रत रखना होगा सोमवार हो गया मंगलवार हो गया बुधवार हो गया बृहस्पति शुक्र शनि सब जो एकादशी व्रत रख लिया समझो उसको सारे व्रत उसने रख लिया समझ रहे हो ये मुझे एकादशी व्रत भगवान कृष्ण का व्रत बांके बिहारी का व्रत आप लोग महाभारत देखे होंगे उसमें भगवान विराट रूप दिखाया अर्जुन देख मैं कौन हूँ जिसको तुम हनुमान कहते हो मंगलवार का व्रत रखो हनुमान मेरे में जिसको तुम सोमवार का व्रत रखते हो किसके लिए सोमवार शिव जी भोले बाबा का देखो भोले बाबा मेरे अंदर में है जिसको तुम गणेश जी का जो व्रत रखते हो गणेश मेरे जो शनिचर के रखते हो देखो शनि मेरे अंदर में कृष्ण का अब देखो विश्व भगवान का विराट रूप देखोगे ना 33 करोड़ देवता इसलिए बोले जहाँ पर कृपा हरि की होगी तहाँ पर कृपा करे सब कोई जिसको ऊपर में हरि की कृपा होगी उसको ऊपर में 33 करोड़ देवता खुश हो गए लेकिन जगत में तो 33 करोड़ देवता कितने खुश कर गए बोलो एक को मनाओ दूसरे मुँह फुलाकर बैठ जाएगा दूसरे को मनाओ तीसरा मुँह फुलाकर बैठ जाएगा कितने को मनाओगे लेकिन अगर भगवान कृष्ण अगर मान गए तो खुश हो गए जैसे पेड़ का जड़ में पानी दे दो ना पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा इसलिए जो एकादशी व्रत है इसको बताया कल्पतरु व्रत कौन सा व्रत है कल्पतरु व्रत मतलब क्या है जो कल्पना करो जो मांगोगे इच्छा करोगे व्रत सब पूरी करेगा इसलिए कभी आप एकादशी का कभी पुस्तक हो ना इधर सुना अरे क्या बात कर रहे हो एकादशी का कभी कभी पुस्तक मिलेगा पढ़ करके देखना एकादशी का नाम है पुत्रदा पुत्रदा मतलब जिसको घर में पुत्र नहीं हो रहे बेटा जन्म नहीं हो रहा है वो एकादशी करने से पुत्र होगा भागवत पढ़ करके देखो नंद बाबा का पुत्र नहीं था लेकिन एकादशी जब पुत्रदा एकादशी क्या कृष्ण जन्म हो गया एकादशी का नाम इंदिरा इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी जिसको घर में पैसा की कमी है पैसा नहीं है कहते वो इंदिरा एकादशी कर घर में लक्ष्मी आएगी जिसको इंदिरा एक का नाम है अन्नदा अन्नदा मतलब जिस घर में अन्न शस्य की कमी है वो एकादशी करो घर में अन्न आएगी एक का नाम पाप मोचनी दुख कष्ट क्यों भोग करते पाप से लेकिन वो व्रत करोगे तो शायद पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी एक का नाम विजया विजया मतलब अगर वो एकादशी करो ना तुम्हारी सब जगह विजय हो जाए तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकते इसलिए एक का नाम मोक्षदा मतलब जिसको करने से संसार से मुक्ति मिल जाएगी अब पढ़ करके देखना हर एकादशी का अलग अलग नाम एक ही नाम नहीं है 15 दिन के बाद में एक एकादशी आती है सबका अलग अलग नाम है अब देखना जैसे कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ लेकिन मृत्यु हो ही नहीं रही साल साल से पड़ा हुआ किसी पंडित को बुलाओ पंडित जी इसका जल्दी सदगति कैसे होगी बड़े कष्ट पा रहे हैं जानते हो पंडित क्या बोलेगा बोले एकादशी व्रत करके इसका कोई फल दे सकते हो वो सोमवार नहीं बोलेगा मंगलवार बुधवार कुछ नहीं व्रत बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके उसका फल दे सकते हो एकादशी का नाम बोलेगा इतने शक्ति एकादशी में हमने स्वयं देखा जो साल साल से पड़े हुए मर नहीं रहे थे संकल्प करके एकादशी व्रत देते उस समय शरीर छूट जाती इतने उसके एकादशी में इतने शक्ति है इसलिए एकादशी का दिन अन्न में गो हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या ये 5 सबसे बड़े बड़े पाप एकादशी का दिन अन्न में रहते हैं जो एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा सब पाप भोगना पड़ेगा जैसे सोमवार मंगलवार अगर इसको नहीं करोगे ना कोई तुम्हारी नुकसानी नहीं है कोई तुम्हारी नुकसानी नहीं लेकिन एकादशी नहीं करोगे तो नुकसानी है अब भागवत कभी भागवत सुने हो कभी भागवत सुनना उसमें कोई बार व्रत का नाम नहीं है कोई सोमवार नहीं मंगलवार कहीं की व्रत नहीं केवल उसमें एकादशी कथा आती है लेकिन कुछ कुछ लोग भ्रम है क्या अरे उसको तो विधवा करते हैं सदवा नहीं करते अब भागवत पढ़कर देख क्या यशोदा मैया विधवा थी रुक्मिणी सत्यभामा क्या विधवा थी अम्बरीश महाराज उनका पत्नी एकादशी को विधवा थी नहीं कहते 8 साल से लेकर 80 साल तक करनी चाहिए व्रत को कोई कोई फिर कहते पहले इसके लिए उद्यापन फिर करना पड़ जाता नहीं उद्यापन की कोई हमारे भागवत में उद्यापन का कोई नाम नहीं
जब तक तुम्हारी शक्ति है तब तक एकादशी रखो, जब नहीं कर सकते हो शरीर के लिए नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एकादशी के आदमी कोई कोई बोले खाने के लिए तो दिक्कत नहीं है, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुट्टी की हमारे तो मंदिर में बाबा लोग सोचते थे एकादशी कब आएगा, एकादशी क्यों नहीं आ रही, बोले क्यों रो तो डाल रोटी डाल तो खा रहे हो सब्जी तो, लेकिन एकादशी के आदमी कुटुआ पकौड़ी का आटा बन जाती है, कोई फ्रूट की बना देते हैं, फिर आलू की सब्जी मखाना का खीर बना देते हैं, मूँगफली बना देते हैं, वो उसी दिन तो इतने तरह तरह का प्रसाद बनता है मंदिर में, सब लोग तो एकादशी कब आएगा तुम्हारे मंदिर में, सूजी का उसको कुट्टू कुट्टू आटा की हलवा उसकी बन जाती है, बर्फी बन जाती है, उस दिन तो बढ़िया बढ़िया रोज रोज रोटी सब्जी रोज रोज खाती हो, एक दिन तो कम से कम सब बदल जाए तो, और कोशिश करें जैसे दोपहर तक 12 बजे तक कुछ नहीं खाने के लिए, हाँ 12 बजे तक कुछ नहीं खाने के लिए, उसके बाद में फिर तो जैसे व्रत का जैसे करते हो खा सकते हो, एक बार भी ले सकते हो, दो बार अगर कोई बीमारी व्यक्ति है, आज हम वीडियो देख रहा था उसमें बता रहे थे उसमें मतलब उपवासम महा औषधि, उसमें जो हमारी ऋषि मुनि लोग जो उपवास का व्रत बताया ना, कभी बहुत बड़ा बीमारी को सही करने वाले, बड़े से बड़े रोग को ये जो उपवास है बड़े से बड़े रोग को नष्ट कर देता है, बड़े से बड़े रोग को हैं। अभी नए डाइट अभी देख रहा था, नए डाइट में बता रहे थे नहीं भगवान का जो बनाया हुआ जो नेचुरल चीज को खाया करो हैं, ज़्यादा तेल फेल नहीं खा करके नेचुरल चीज का शरीर में कोई तुम्हारी बीमारी नहीं आएगी, और जो फास्टिंग बताया जो उपवास है ये उपवास महालंघन सबसे बड़ा दवा उपवास है, बड़े से बड़ी बीमारी इसमें क्या सर तब इसमें सही हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए एकादशी व्रत जरूर करना, ठीक है करती हो पहले की करती है ना, ठीक है जो नहीं करते हो एकादशी यही रह रहे उनको घर में पूछ लेना कैसे करते नहीं करते, ठीक है, और हमारा मंदिर में भी आना, शाम को रोज कथा होती है सत्संग होती है, आप खुद भी आना बच्चों को भी लेकर के आओ, और सब सब माला जप करना, ठीक है माला जप करते कि नहीं, अगर बच्चों को क्या सिखाओगे, पहले गुरु तो तुम ही हो ना, आप जो करोगे बच्चे तो वही करेंगे ना, और अब बता रहे थे ना आप जिंदगी भर भले ही जो कुछ करना कर लो, जिंदगी भर जो कुछ कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, इधर सुना, जब अंतिम समय आएगा जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, अब सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, सत्य ही बोलते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, ठीक बोलते ना, बोले बेटा राम और कृष्ण का नाम के सिवाय तुमने जो कुछ किए हो केवल तुमने झूठे में बिताया है, एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ नहीं जा रही, पत्नी जाएगी रो रो कर दरवाजा तक चली उसको आगे कोई तेरे साथ में नहीं चलेगा, परिवार चलेंगे शमशान तक उसको आगे कोई भी नहीं चलने वाला, लेकिन आगे क्या चलेगा, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन, जितने राम का नाम कृष्ण नाम वही केवल जाएगा, यहाँ से कुछ भी यहाँ से लेकर के नहीं जा सकते, जो कुछ लेकर जाएंगे नहीं सब झूठा ही है, तो झूठे को पीछे क्यों लग रहे हुए हो, और सच को पीछे लगो ना, जो साथ में जाएगा भगवान का नाम तो जाएगा ना, इसलिए उसको पीछे तो लगो जो साथ में जाने वाले, जो जाने वाले नहीं, झूठा अनित्य संसार है मतलब का संसार, अभी बोलो मतलब का संसार है, ये संसार में बड़ा प्रेम दिख रहा है हमें, लेकिन किस लिए प्रेम दिख रहा है, चूंकि तुमसे कुछ मिल रहा है, संसार में देख लो जो इतना प्रेम करते चुके हैं तुमसे कुछ मिल रहा है इसलिए प्रेम दिख रहा है, और मिलना तुम बंद कर दो प्रेम रहेगी नहीं, कुछ भी नहीं रहेगी, इसलिए जब रहेगी नहीं, जब सब कुछ झूठा तो उसको उसके लिए जब जीवन दे रहे जो साथ में जाएगा उसके लिए तो नहीं दे, ठीक है ना, इसलिए सवेरे उठ करके भगवान की थोड़ी सी हरि नाम करना, थोड़ी सी माला करना, फिर दिन भर जो कुछ घर में करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगा, भोग लगाती हो कौन कौन ठाकुर को भोग लगाती हो, हाथ उठा, भोग नहीं लगाती घर में ठाकुर जी, भोग नहीं लगाती हो, हाँ हाँ नहीं, क्यों नहीं भोग लगाती हो, नहीं रामायण तो पढ़ती बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर को भोग क्यों नहीं लगाती हो, ठाकुर जी को रखेंगे घर में, ठाकुर जी नहीं है मिट्टी का है कान्हा जी, जब कुछ भी हो फटो भी हो ना घर में फटो भी होगा ना ठाकुर जी को फटो भी होगा ना, उसको भी लगा सकते हैं वो, इसलिए हाँ फटो भी कर सकते, ऐसे कोई नहीं, देखो इधर देखो सुनो ध्यान से, इधर ध्यान से सुनो, ठाकुर जी को भोग लगाने का कितना पुण्य है, हैं नहीं लगाने का कितना खराब है, आप टीवी में देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा गुरुकुल में गए हुए थे तब उनको गुरु माता सुदामा जी को चाना दिया, बोले देख बेटा कृष्ण को देख रहे खाना, आप टीवी में देखे होंगे, लेकिन सुदामा ने क्या किया बोलो,
छल कर दिया ना ठाकुर को नहीं दिया, इसलिए इतने गरीबी होगा, इतने गरीब होगा संसार का, इतना दुख भोग किया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, क्यों ठाकुर को? लेकिन मित्रता जो कुछ नहीं देने के वजह से गरीब बना, लेकिन धनी का बना। फिर जब उसको पत्नी को पता चला इनके बचपन का यार कौन है, कृष्णा है, कृष्णा है, बोले जाओ एक बार भगवान को दर्शन करके आओ, बोले खाली हाथ से नहीं जानी चाहिए। आप देखे दो मुठ्ठी चिड़ी वाले खरीदे, ठाकुर जी एक मुठ्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुठ्ठी खाए, जब तीसरी मुठ्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, बोले नहीं आपने दो मुठ्ठी खा लिया तो उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर आप तीसरी मुठ्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन गया। अब नहीं, अब देखे उनके टीवी में जब सुदामा घर में आए क्या देखा, सोने की महल, पत्नी राज रानी बन करके बैठी हुई, और पत्नी को पहचान नहीं पा रही है, पत्नी को पहचान नहीं पा रहा था, बोले क्यों? चूंकि ठाकुर जी को उन्होंने दिया, ठाकुर जी को उन्होंने खिलाया, इसका मतलब है अगर ठाकुर जी को दे कर खाओगे ना घर में माँ लक्ष्मी की घर में कृपा होगी, माँ लक्ष्मी की ठाकुर जी की, अगर नहीं दे कर खाओगे तो फिर क्या आएगी, फिर लक्ष्मी फिर गरीबी आएगी घर में, ठीक है ना, इसलिए क्या करो ठाकुर जी को भोग, हम कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, बोलते ना जैसे अन्न खाओगे वैसे मन बनेगा, इसलिए अगर भगवान की प्रसाद खाओगे तो मन अच्छा बनेगा, मन अच्छा बनेगा, इसलिए घर में क्या करो भोग लगा रहे। लेकिन और एक बात आती है, अगर प्याज लहसुन खाओगे तो भगवान भोग नहीं लगा सकती, प्याज लहसुन खाते हो सब, हंस रहे हो क्या, खाते हो प्याज लहसुन, खाते हैं बहुत से, कौन-कौन खाते हो, सब खाते हो, सब खाते हो प्याज लहसुन, देखो धीरे 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 कोशिश करना, धीरे 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 प्याज लहसुन को, नवरात्रि रखते हो, नवरात्रि कौन कौन नवरात्रि रखते हो, सब 9 दिन तक प्याज लहसुन खाते हो क्या, नहीं खाती है ना प्याज लहसुन 9 दिन तक, क्यों नहीं खाती हो बताओ, माता जी को पसंद नहीं तभी तो प्याज लहसुन नहीं खाती हो ना, क्या 9 दिन तक मैया खुश रखो उसके बाद नाराज कर तो प्याज कहाँ करेंगे, इसलिए जो चीज भगवान को पसंद नहीं माता जी को पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं होनी चाहिए, जो चीज ठाकुर को पसंद है वो चीज हमें पसंद आनी चाहिए, ठीक है ना, इसलिए जो भागवत में बताया जो प्याज है जब भगवान सुदर्शन चक्र से राक्षस को काट दिया वो जहाँ पर मांस गिर पड़ा वहीं पर प्याज गिर पौधा हो, जहाँ पर हड्डी गिर पड़ा वहाँ पर लहसुन गिर पौधा हो, इसलिए देखना ये दो चीज हमारे ठाकुर को सेवा में कहीं नहीं लगता है, इसलिए 9 दिन तक जैसे नवरात्रि होता है इसलिए 9 दिन तक उसको कोई नहीं खाती, क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो, नहीं जिसमें वो खुश है वो काम को हमें, और भगवान को ये चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता, तामसी की वस्तु है, हाँ ये तामसी की वस्तु, कोशिश करना इतना तो छोड़ना भगवान की, दुनिया के लिए तो बहुत कुछ छोड़ते हैं और भगवान के लिए तो इतना ही छोड़ना है, ठीक है, अगर छूट जाए तो अच्छी बात है, ठाकुर जी को रोज भोग लगेगा, भगवान के प्रसाद खाओगे, भगवान का प्रसाद खाने से जैसे अन्न खाओगे तुम्हारे मन भी अच्छा बनेगा, फिर देखना जो भजन है ना मन अपनी आप ठाकुर का भजन बनेगा, अब स्वयं देख लेना, हैं स्वयं कोशिश करना, इतना कर लो तो बस बड़ा पार है, ठीक है, बोलो श्री वृंदावन बिहारी की जय, जय जय श्री राधे, हाँ थोड़ी कीर्तन कर लो, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
की जय। क्या नाम है? सुदेश जी, सुदेश मलिक। सुदेश, सुदेश भैया की जय। उनको पुत्र परिवार की जय। और सत्संग में आए हुए सारे भक्त लोगों की जय। जय जय श्री रामदेव की, बलराम प्रभु की जय। गुरुदेव आरती करना, आरती करना, आरती करना है। हे आरती सजाए, सजाए हम आरती की, आरती करो। हम सब खड़े हो गए। जय जय राधा। आरती कहाँ है? हाले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण वृंदावन की जय। जय श्री राधे। जय जय राधा कृष्ण युग रंगीला। जय जय राधा कृष्ण युग रंगीला। Thank you.
सामने नाचोगे तो 84 लक्ष दिन नाचना खत्म हो गया, फिर कहीं नाचना नहीं पड़ेगा ठाकुर के सामने नाचो।